देखिए इधर भी बिहार से आगे हमारे कभी गई नहीं थी घूमने, इसलिए घूमने आए तो सोच रही हूँ फायदा उठा लूँ। ये सब देखिए कितना अच्छा लुक है, और सच में हयात होटल का जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम भी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि जानते होंगे कि माही मनीषा जी ज़्यादातर बिहार में ही प्रोग्राम करते थे, लेकिन दोस्तों खुशी की बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली में आयात होटल नाम के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसी होटल में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर गोविंदा जी आ रहे हैं, और वहीं पे प्रोग्राम में हमारे माही मनीषा जी को भी ऑफर मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माही मनीषा जी किस तरह से यहाँ पर मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस हयात होटल के बारे में क्या बोले हमारे माही मनीषा जी। तो आइए इनसे सुनिए, और हमारे गोविंदा जी के भी बारे में कुछ बोले हैं, तो आइए इस वीडियो में वो भी सुनिए। हम लोग अभी फिलहाल में हयात होटल में ठहरे हुए हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब हिंदी के कलाकार और हिंदी के इतने मतलब सुपरस्टार, वो सब कलाकार जिस स्टेज पे शो कर रहे हैं उसी स्टेज पे मुझे भी करने का मौका मिला है। ऐसे छोटी छोटी इंसान को काम करने के लिए मिलेगा, और हम दोनों को काम करने के लिए मौका दिया गया। दोस्तों इतना ही नहीं, जब माही मनीषा जी बिहार से दिल्ली आए तो उन्हें पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ पे फैंस फॉलोवर काफ़ी होंगे। दोस्तों बता दूं कि माही मनीषा जी बोले कि चलो कुछ खा के आते हैं। जैसे ही पास के ही होटल में खाने गए तो वहाँ पे कुछ आश्चर्यजनक बातें हुई, जो कि हमारे माही मनीषा जी आपको अभी बताएंगे, तो सुनिए। सोचे क्या जो यहाँ पे कौन पहचानेगा, चलिए ना हम खा के आते हैं। जब हम खाना खाने गए ना तो काफी एक चम्मच उठा रहे ऐसे करके, तब तक शर्म से मैडम जानते हैं हम लोग कह रहे हैं कि चम्मच से खाइए, कोई कह रहा है हम लोग हाथ से खाने वाले इंसान चम्मच से खा रहे, पेट भर नहीं रहा, पेट भरा नहीं है, ऐसे ही भूखे है भाई, भूख बहुत जोर से है क्योंकि चम्मच से खाए ना पेट नहीं भरा। दोस्तों अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप माही मनीषा जी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इनके YouTube चैनल मनीषा जा ऑफिशियल 2 को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल के लिए भी कुछ बोले हैं माही मनीषा जा, तो आइए सुनिए। अमित एफोरियो के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, इन्होंने इतना प्यार लेके यहाँ तक आए हैं। लव यू टाटा, अपने बिहार को लाडली को ऐसे माई मनीषा को प्यार देते रहिए। तो नमस्ते, प्रणाम, लव यू टाटा, बाय बाय।